टीकमगढ़ शहर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जिला टीकमगढ़ के द्वारा शौर्य दिवस मनाया गया, जिसके उपलक्ष्य में शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए शौर्य पथ संचलन भी निकाला गया। इसके बाद स्थानीय बजरंग बाग प्रांगण में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। मार्गदर्शन मंडल जिला संयोजक राघवेंद्र मिश्रा ने बताया कि शौर्य दिवस गीता जयंती के दिन मनाया जाता है। इस दिन बाबरी ढांचा को 90 दशक में धराशायी किया गया था। इस दिन साधु संत एवं बजरंग दल की सेना यह कार्यक्रम शौर्य दल के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में विधायक राकेश गिरी, महेश गिरी, जिला संघ चालक सुरेश मिश्रा सहित मुख्य रूप से समस्त कार्यकर्ता मौजूद रहे। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। शौर्य दिवस जो हम लोग आज मनाया करते हैं, मूलतः 90 के समय में जब बजरंगियों के द्वारा अयोध्या की पावन धरती पर बाबर के द्वारा निर्माणित बाबरी मस्जिद के कलंक को, भारत के उस कलंक को हम लोगों ने ढाया और सारे बजरंगियों के द्वारा भारत 492 वर्ष से उस कलंक को, उस बोझ को ढो रहा था और अयोध्या भारत की धार्मिक राजधानी है। संतों के आवाहन पर विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में बजरंगियों के द्वारा, बजरंग दल के द्वारा शौर्य दिवस इसलिए मनाया जाता क्योंकि गीता जयंती को संतों के आवाहन पर हमने उस बाबरी मस्जिद को ढा दिया था, उस भारत के ऊपर लगे हुए कलंक को मिटा दिया था और जब तक सनातन धर्म और ये भारत का अस्तित्व है तब तक शौर्य दिवस गीता जयंती पर मनाया जाएगा। ये संतों का अहंकार अभिमान स्वरूप है, भारत का शौर्य स्वरूप है, इसलिए इसे शौर्य दिवस नाम दिया गया। हमारी वीरता, हमारी शौर्यता आज के दिन सिद्ध हुई थी, इसलिए गीता जयंती मूल पर्व है और गीता जयंती पर संतों का आवाहन और उनके आवाहन पर शौर्य दिवस, इन बजरंगियों ने इनकी वीरता आज सिद्ध हुई थी इसलिए शौर्य दिवस मनाया जाता। आज जिला संगठन के द्वारा संपूर्ण टीकमगढ़ जिले में ये शौर्य दिवस मनाया गया और पूरे प्रखंड के सभी बजरंगी आज उपस्थित हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में बजरंग दल का शौर्य दिवस हुआ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।